आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी, एकदम ट्रेडिशनल। हमारे घर में जिस तरीके से ये बनाई जाती है, सेम उसी तरीके से आज मैं आपको दिखाऊंगी। इस रेसिपी की खास बात क्या है ना कि एक तो इसमें बहुत ही कम तेल और मसाले पड़ते हैं, और इसका जो बनाने का तरीका है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस, और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं भरवा भिंडी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम एकदम फ्रेश भिंडी ली है। अब क्योंकि हम इसको स्टफ़ करेंगे तो जो भिंडी की साइज़ है ना वो थोड़ी सी बड़ी लेंगे, लेकिन जो भिंडी है ना वो बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब जो भिंडी है ना इसके छिलके तो हम उतारेंगे नहीं, इसको हमें पूरा ऐसे ही कंज्यूम करना है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको हम एक बॉल में लेंगे, उसमें डालेंगे पानी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद एक एक भिंडी को इस तरीके से हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के ना हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसको दूसरे साफ़ पानी से धो के इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और एक एक भिंडी को इस तरीके से रगड़ रगड़ के हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इस तरीके से पोंछने से जो भिंडी है ना वो ड्राई भी हो जाएगी, और उसके ऊपर बचा कुचा जो भी गंदगी होगा ना वो भी निकल के साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी भिंडी को धो के अच्छे से पोंछ के साफ़ करके ले लिया है। अब हम एक भिंडी लेंगे और चाकू से ना इस तरीके से बीच में एक चीरा लगाएंगे, और इस तरीके से खोल के उसको चेक कर लेंगे कि भिंडी ख़राब है कि सही है। तो इस तरीके से एक एक भिंडी में हम चीरा लगाते जाएंगे और खोल खोल के हम इसको चेक भी करते जाएंगे। तो जब भी आप स्टफ़ भिंडी बनाएं ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि भिंडी ज़्यादा पकी हुई ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज नहीं होने चाहिए, और भिंडी को धोने के बाद अच्छे से पोंछ के ड्राई कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी सारी भिंडी तैयार है, तो चलिए इसका हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन को हम गैस पे चलाएंगे, आंच को बिल्कुल कम रखेंगे, और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के बेसन, और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ध्यान रहे आंच को बिल्कुल आपने कम रखना है, यहाँ पे इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस आधा मिनट के लिए ही भूनना है, और जो बेसन का कलर है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद ना आपको एकदम हल्की हल्की से बेसन की खुशबू आने लगेगी, मतलब कि जो बेसन है ना वो अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। तो जब बेसन ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, और 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे इसमें वाइट तिल। ये गया इसमें स्वादानुसार नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें हम चीनी डालेंगे। फिर 1/2 टीस्पून जितना हरी मिर्च को कूट के डालेंगे, और 1/2 टीस्पून कूटा हुआ अदरक डालेंगे। इसके बाद ढेर सारी हरी धनिया पत्ती और 1/2 नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो यहाँ पर हरी मिर्ची आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, जो भी मसाले डाले हैं उसी के साथ बेसन को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तो एकदम छोटा वाला जो चम्मच होता है वो 3 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया है। वापस से इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये ना मुझे थोड़ा सा अभी ड्राई लग रहा है, तो एक और चम्मच में इसमें डाल रही हूँ तेल। फिर वापस से सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा बेसन वाला मसाला है ना ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जब आप इसको हाथ में इस तरीके से लेंगे ना मुट्ठी में, तो ये देखिए, और जब आप इसको हाथ से तोड़े ना, ये देखिए, तो ये बेसन जो है वो नीचे इस तरीके से बिखर के गिरना चाहिए। इसका मतलब कि हमें तेल बस उतना ही डालना है कि ये सारे मसाले जो है ना ये अच्छे से बाइंड हो जाए एक दूसरे के साथ, और ये जो स्टफिंग है ना ये इस तरीके से एकदम दानेदार रहना चाहिए। ये जो स्टफिंग है ना वो तेल से एकदम चिपचिपा नहीं होना चाहिए बस। तो अब एक भिंडी लेंगे और बीच में जो हमने चीरा लगाया था ना वहाँ से भिंडी को थोड़ा सा खोल देंगे। फिर थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे और इस स्टफिंग को हम भिंडी के अंदर अच्छे से पूरा भर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें भिंडी को पूरा भर लेना है। भिंडी में जब हमने चीरा लगाया था तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर की टिप से लेकर नीचे टेल तक पूरा चीरा हमें लगाना है, और जब स्टफिंग से हम भिंडी को भरेंगे तो जो मसाला है
वो पूरा ऊपर टिप से लेके नीचे टेल तक पूरा चीरे के अंदर इक्वली हमें अच्छे से दबा दबा के भरना है। मतलब कि आप जब भिंडी खाओगे ना तो आपको हर बाइट में मसाला और भिंडी दोनों का टेस्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से सारी भिंडी के अंदर मैंने स्टफिंग जो था वो पूरा भर दिया है अच्छे से, और ये जो थोड़ा सा स्टफिंग बच गया है इसको भी हम यूज़ कर लेंगे बाद में। जब भी आप स्टफ़ भिंडी बनाएं ना तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो भिंडी की साइज़ है ना, जितना पॉसिबल हो सके सेम साइज़ की भिंडी आप सिलेक्ट करें। इससे होगा क्या ना कि एक तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं, दूसरा इसको जब हम पकाएंगे तो सेम टाइम में सारी भिंडी एक साथ पक जाएगी। अब एक स्टीमर को हम गैस पे चलाएंगे, उसमें हम डालेंगे एक ग्लास इतना पानी और उसके ऊपर जो ये प्लेट होती है छेद वाली वो रख देंगे। इसको मैंने तेल से अच्छे से पहले ग्रीस कर लिया है और इसके बाद सारी भिंडी को इस प्लेट के ऊपर हम रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टीमर ना हो तो कोई भी कढ़ाई में भी आप इसको बना सकते हैं। कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर जो छेद वाला ढक्कन होता है कोई, उसको रख दें और उसके ऊपर भिंडी रख के आप इसको इस तरीके से पका सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, और उसमें भी अगर भिंडी कच्ची वाली हो तो उनको पकने में बहुत कम टाइम लगता है। तो करीब 7 मिनट हो गए हैं तो इसका ढक्कन हटा के हम भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके से चाकू से हम भिंडी को चेक करेंगे तो चाकू बहुत ही आराम से आप देखेंगे कि अंदर घुस जाएगा, मतलब भिंडी आपकी अच्छे से पक गई है। तो अब इन भिंडियों को निकाल के हम एक प्लेट में ले लेंगे। अभी ये भिंडी पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार है। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा और छोंक देंगे तब भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ अभी। तो वापस से पैन को हम गैस पे चलाएंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून तेल। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वाइट तेल। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और फटाफट से जो भिंडी है उसको डाल देंगे और फिर पलटे से ना सारी भिंडी को इस तरीके से फैला देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसकी जो नीचे की साइड है ना वो अच्छे से सिक जाए। तो करीब 1/2 मिनट हो गया है तो पलटे से ना हम भिंडी को सबको पलट देंगे, और पलटने के बाद भी हम इसको 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाए। तो जब दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाएगी तो इसको हम टॉस करके वापस से भिंडी को पलट देंगे। अब जो हमारा थोड़ा सा स्टफिंग बचा था उस स्टफिंग को हम इसके अंदर डाल देंगे। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टफिंग डालने के बाद इसको उलटते पलटते रहेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और सेकेंगे। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि दोनों साइड भिंडी अच्छे से सिक गई उसके बाद मैंने स्टफिंग डाला। अगर हम स्टफिंग पहले डाल देते तो जो भिंडी है ना वो अच्छे से क्रिस्प नहीं बनती और जो स्टफिंग है ना वो पहले से ही जलना चालू हो जाता। इसीलिए भिंडी जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही स्टफिंग डालना है, और एडिशनल 2 से 3 मिनट आप इसको सेकेंगे तो जो भिंडी है ना वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो बस ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके खाने को और ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ स्मार्ट टिप्स और बहुत नई नई वीडियोज़ जानने और सीखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल स्टोरी ऑफ स्पाइसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।